महाश्रवण फिजियोथेरेपी सेंटर में, जो कि मंजुल देवी मंदिर प्रांगण में है। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा निर्देशित एवं तेरा पंथ महिला मंडल सिलीगुड़ी के द्वारा संचालित है यह। आइए हमारे साथ और आ करके चीज़ों को स्पष्ट देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे तमाम पदाधिकारियों के साथ बात करके हमें पता चला कि बहुत ही निम्न शुल्क में फिजियोथेरेपी दिया जाता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं कि आपने हमारी एक बार कहने से जो हमारा ये सेवा का कार्य है फिजियोथेरेपी सेंटर में, इसमें आके उसे आगे बढ़ाने में आपने का बीड़ा उठाया और आपने पूरी मदद करने की कहा है कि हम इसको पूरी तरह से आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ये हमारे अखिल भारतीय तेरा सिलीगुड़ी ब्रांच इसको लेके बहुत हद तक सोच रहे हैं कि हर एक श्रेणी के लोगों को लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमाइज हमारे ऐसा रोड में थिरानी मिल कंपाउंड मंजू माता जी के मंदिर में हमारा ये सेंटर चलता है। हमारी बहनें सेवा के कार्य में हर वक्त तत्पर रहती है और इस सेंटर को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो इस तरह तत्पर है कि वो इस कार्य में आगे आना चाहती है और हर एक तक इसका लाभ पहुँचे, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरुओं हर समय तत्पर रहते हैं और हमारे तेरा पंथ महिला मंडल की बहनें हर वक्त हर कार्य में एकदम आगे और तत्पर रहती है। इस बार हमारा जो ऑल इंडिया लेवल का जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें तेरा पंथ महिला मंडल को तेरा पंथ महिला मंडल सिलीगुड़ी को 6 अवार्ड हमें मिले हैं और सेवा के कार्य में हम लोग की गर्व की बात है। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है और हमारे जो अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल है जो हमें इस तरह की कार्य देती है कि हम सेवा के कार्य में तत्पर रहते हैं और हर संस्था के साथ मिलकर हम हर वक्त हर कार्य करने में एकदम आगे रहते हैं। तो मैं सिलीगुड़ी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना ये बताना चाहूँगी कि आप लोग आएँ और हमारा जो ये सेवा का प्रकल्प है इसका लाभ लें और इसे हमें आगे बढ़ाने में हमारा जो प्रयास है उसे सफल बनाएं। हमारी जो बहनें हैं वो हमेशा तत्पर है आपकी सेवा में, आप आएँ और हमारे साथ जुड़ें और इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद भी करें। सभी का बहुत बहुत आभार। भाई आए हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और जो हमारे यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं वो इतनी सेवा देते हैं, इतने तत्पर रहते हैं सेवा के कार्य में कि इनका जितना धन्यवाद करें, इनका जितना स्वागत करें उतना कम है। आप आगे सुनेंगे वो भी आप आगे हम आपको बताएंगे। तो अभी मैं एक बार पुनः सज्जता का स्वागत करती हूँ और हमारी जो दो बहनें इस फिजियोथेरेपी सेंटर की जो संयोजिका हैं वो रात दिन भी ना दिन वो दिन में दो बार तीन बार आके चक्कर लगाती हैं। हमारी संयोजिका समता पगारिया और विनीता आंचलिया बहनें हम सब साथ देते हैं पर इन दोनों ने एकदम इसको इस प्रोजेक्ट में इतनी तत्परता से ये काम कर रही हैं कि इसको आगे बढ़ाने में वो पूरा प्रयास कैसे कार्य को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाने में हम लोग आगे कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में सभी को मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा सादर जय जिनी। आज हम आचार्य महाश्रमण फिजियोथेरेपी सेंटर में हैं जिसमें शंकर दा हमारे साथ हैं और मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के जैसे नहीं बल्कि आज तो एक ज़रूरत बन गया है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर हमें आगे जाना है तो हेल्दीली आगे बढ़ना है तो हमें फिजियोथेरेपी को अपना लाइफ का एक पार्ट बनाना ही होगा, क्योंकि चाहे बच्चा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, की ज़रूरत हर वर्ग को है। तो हम ABTMM का बहुत आभार देते हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट लाया और हमें सेवा के लिए मौका दिया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा उद्देश्य है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। इसके लिए हमने फिजियोथेरेपी की रेट जो है वो और रेट सिर्फ 150 पर सेशन है, लेकिन सर्विस में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सारी मशीन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी की है, हमारे फिजियो भी जो है वो एक्सपीरियंस और वेल ट्रेंड फिजियो है। तो तीन फिजियोथेरेपिस्ट की हमारी टीम है। तो मैं सभी व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आइए और एक बार हमारी फिजियोथेरेपी सर्विसेज को बेनिफिट।
हम सिलीगुड़ी में एक से ज़्यादा सेंटर भी खोलना चाहते हैं। ये हमारा एक है, यहाँ आए यहाँ सब रहे। हम चाहते हैं कि हम यहाँ जहाँ ज़रूरत है उस एरिया में फिजियोथेरेपी सेंटर को खोलें और बढ़ाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। और एक और चीज़ की पेनकिलर्स खा लेते हैं, या फिर अवेयरनेस की वजह से हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही होगा, डॉक्टर को दिखा देते हैं या फिर मतलब उसको गोल जरूर ले लेते। तो इसी अवेयरनेस फिजियो के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग 16, 17 और 18 एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो यहीं पे इसी आचार्य महाश्रमण फिजियोथेरेपी सेंटर मंजू माता जी मंदिर में 4 to 6 डेली 3 days के लिए मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा। उसमें आपको अपनी क्योरीज जो भी हो, जो अपनी बॉडी को लेके, या आप हो सकते हैं आप घर पे कुछ एक्सरसाइज नहीं होता है, अच्छा लगता है, घुटना का पेन, बैक पेन, सब तरह का पेन नहीं है। ये है यूएसपी, ये भी पेन नहीं होता है, पेन नहीं होता है। कोई पेशेंट हो वो वाला सही बड़ा पेन का बड़ा एरिया में यूज होता है, ये सबसे अच्छा है। ये हम लोग का ट्रैक्शन मशीन है, ये ट्रैक्शन का बैक सर्वाइकल बिलोनी सब में लेंस देखिए। सबाइके नमस्कार। প্রথমত আজকে আমি এখানে এসেছি দিদি দিদি ডাক্তার সঙ্গে কথা বলতে। আমি তেরাপন্ত মহিলা মন্ডল তাদের বিভিন্ন কাজ অনেকদিন ধরে দেখি, অনেকদিন যখন আমি প্যার ভারি পানো চাই ঝুঝুনা হতে প্যারমে আর বহুত ইধার যে পেশেন্ট আতা হয় জেসে ভি পেশেন্ট আমি দেখ রহে হ্যায় এ পেশেন্ট ব্যাক পেন কা হ্যায় সায়াটিকা হ্যায় জো এ ইনকা জো হুয়া হ্যায় ও সায়াটিকা হ্যায়। इस केस में होता है क्या, इसमें पेन रेडिएट होता है नीचे तक, दोनों हड्डी के बीच में, स्पाइन में जो दोनों हड्डी के बीच में। एक बार मुझे दर्शक को आप टच करके बताएंगे कौन सा भाग में कैसे क्या होता है? इनका जो हुआ है MRI रिपोर्ट देख के जो देखा है हम लोग, जी जी, L4 L5 के बीच में, वो उधर में जो हड्डी में अंदर से जो नास जाते हैं वो नास दाब के उसका इंटरवर्टिकल स्पेस जो होता है वो रिड्यूस, पेन नीचे तक रेडिएट होता है, पैर के एक तरफ रेडिएट होता है, बड़े भयंकर पेन होता है। और अभी हम लोग जो इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है ट्रांसमिटर या इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर है, जो वो पर्टिकुलरली साइटिक नर्व को स्टिमुलेट करता है और इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है। और ये कोई साइड इफेक्ट भी नहीं इनका, और बहुत ही अच्छा है।